खड्डा इतना है, पर्स भूला है मैं घर पे, अभी गोलू भेजा पर कम से कम 3 घंटे हो गए गाड़ी फंसे, मतलब 2:30 बज गए। सोफा बाहर ले आया, बाहर सही लग रहा है। देखो लाइन में सारी गाड़ियां फंस रही है, बस स्टैंड पे भरा हुआ पानी। वैसे कलर देख ले, पकड़ पकड़ बेटा, जचा दिया पूरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप ही का ब्लॉग कैसे है मम्मी, और कर रहे हैं नवरात्रों की सफाई। मुस्कान भी यहाँ पे लगी हुई है मेरे साथ, मुकुल सो रहे हैं। तो गाइस लाइट चली गई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं ब्लॉग बना रहा था तो मम्मी और को काम तो करना ही था, धोना तो था, तो मम्मी ने यहाँ पे पाइप लगा के इसलिए यहाँ से धोना शुरू कर दिया। तो अभी मम्मी फ्रिज भी साफ कर रही है हल्का हल्का, और मुस्कान वाइप लगा रही है, और मैं अभी लगा देता हूँ पोछा। तो गाइस मैं सोफा बाहर ले आया, बाहर सही लग रहा, सोफा अच्छा लगेगा, और चेयर्स अंदर दूंगा बैठक में। और मम्मी ने यहाँ पे मंदिर जचा दिया पूरा, साथ में छोटा मंदिर भी जचा दिया है ना मम्मी। हाँ। छोटा मंदिर इधर वो लगा देना माचिस मुचिस रखने के लिए, इसमें सारा सामान पैक होगा जो अपन चाहिए है ना मंदिर में। अब सही लग रही है फोटो है ना, साफ हो गई। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अपने अपने घर में हो गए। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़, और आप देख सकते हो मैं हो गया हूँ रेडी। सरोज चलो। तो गाइज कल का मुहूर्त भी है, फिर सुनीता दीदी भी वहाँ पर पूछ रही है, सुनीता दीदी का भी मुहूर्त था। अब देखो करनाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैंने अभी फ़ोन कर किया था सुनीता दीदी के पास में, मैं बोला कहाँ है, वो बोल रही है मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो सपना भी पहुँच गई, तो अभी हम भी पहुँचते हैं। तो दोपहर के बज गए 3, जूते चलिए गाइस, जूते हो गए हैं, हम हो गए रेडी। तो पीछे आप रेडी, और आप देख सकते हो पीछे छोड़ने वाले भी रेडी हो गए हैं। चलें फिर ठीक है, ओके। तू तो छोड़ गया होगा, मैंने ये तो छोड़ के आएगा हम, ठीक है। आ जाओ भैया, चलो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं आपको चंडीगढ़। फोन कर दियो कुछ, ठीक है, चलो फिर बाय। तो गाइस अभी कुछ ऐसा सीन हो गया पीछे ना, मेरे मतलब पर्स भूला है मैं घर पे, अभी गोलू भेजा पर्स लाने के लिए, और अभी मैं खड़ा हूँ हाईवे पे, अभी गोलू आ जाता है पर्स लेके, फिर चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो गोलू आ गया पर्स लेके, अब निकलते हैं सीधा बस स्टैंड। कलर देख ले। तो भाई ना बस मिली ना कुछ, और अंधेरा हो गया। अभी जतिन को फोन किया है, अब जतिन और हम दोनों निकाल के करा, कल वो अकेला पड़ गया ना, वो तो सुबह का गया, मैंने 15 दिन हो गए उसको बोलते बोलते, आजा भाई आजा भाई, आज जी की के बात होगी। तो भाई आज ना रात को ना, रात को 12 बज जाए पहुंचूंगा जरूर मैं। पकड़ पकड़ बेटा, अच्छा तो अभी बस ये लगा लो, आधा पौने घंटे में निकलते हैं, 7 बज के 7:30 बजे तक निकलते हैं बेटा। बस नहीं मिलेगा, एक तो बस बरवाड़ा होके जाती नहीं है, जीन से आगे की मिलेगी नहीं, यहाँ से रोहतक जाओ, रोहतक से अम्बा, वहाँ कैथड़, कैथड़ से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से चंडीगढ़, बहुत लंबा पड़ जाता, सुबह पहुंचता फिर भी मैं। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की तैयारी, नवरात्रे का सामान लेके आया जी जी। तो नवरात्रे का सामान लेके आया गोलू। तो सरोज सुबह नवरात्रे रखेगी? पूरे 9 के 9 रखेगी वर्त। कौन तू भी आगे ले गया एक लास्ट का, पूरे मत रखियो ठीक है ना। मैं क्या कहूँ इसने छोरी ने, एक एक पहला और एक लास्ट, एक रख और चीज 9 रख, पर ना तो गुस्सा की ना गाड़ी देगी ना बकवास करेगी, ये काम कर दियो तो 9 रख लिए, ये काम कर दियो बालक सरोज, एक शुरू कर एक लास्ट का, माता रानी खुश है उसमें भी, जी जो जगह देते घर पे अगर अखंड जो जगह दे तो भी खुश है वो, ये थोड़ी बोलती है तुम भूखे रहो ठीक है ना। चलो ठीक है ना फिर सरोज, क्योंकि गोरी होना चाहिए, वो दवाई नहीं लाए थे चंडीगढ़ से, वो अच्छा दवाई दवाई तो पहले ही खत्म हो रही है, ये मेरी दवाई लेके आई उठे थे, ठीक है मैं कह दूंगी इसने, ठीक है जी ठीक है। और बताओ कैसे सुन लेना बढ़िया सा जो गोरा चिट्टा, ओके जी ओके जी।
और ना मेरी ये सारी ट्यूब क्या खाना मैं तो लेंदा को नहीं मैंने कभी लगाया तो गई आपने देखा कभी हाँ, ना सरोज ने भी नहीं ऐसा काम करा कभी फेशियल ये वो ना कभी सरोज ने ब्लॉग में ये बोला मेरी शक्ल ये होगी वो होगी जैसी भी है भाई वैसी है हम जैसे भी लगते हैं आपको उसी में पसंद है कौन सा हाँ, मेकअप से कोई भगवान ने जो रूप बना दिया ना बस दो ही रंग बने काला दोड़ा रंग और जो शक्ल भगवान ने बना दी ना ठीक है मेकअप भी कर लो तो भी आपने देखना है ठीक है मेकअप करोगे आपने नहीं देखना तो नहीं देखोगे तो देखो जैसे हम सिंपल है ना जैसे हम सिंपल है ना वैसे ही हम हैं ठीक है हमारे से दिखावा नहीं किया जाता भाई मेरा चेहरा वो है मैं वो बाल वो करके अब तुम क्या कहते बालों की प्रेस करवा लो ठीक है फेशियल करवा लें हमारे चेहरे पे ये हो गया वो हो गया ठीक है ये फेशियल फुशियल तो अभी चले हैं पहले तो वही मुल्तानी से मुंह धो लिया करते चलो जो भी है ठीक है नहीं अभी करते हैं तैयारी नहीं करवाया था डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट हो गया सारे जग के विघ्न विनाशक शिव ही है संकट रात के बज गए हैं 8 और अभी लग मेरे जाने की तैयारी हुई नहीं है पूरी और यहाँ पर सरोज लगवाने लगी है मेहंदी सरोज पूरे हाथ पे एक पे या दो पे क्यों कहाँ मिली चाबी बढ़िया लगाइयो टीना सरोज दिखाइयो मेहंदी वाह भाई वाह दिखाइयो वाह भाई वाह दिखाना सही लगा बढ़िया तन्ने के करवा लिया मुकुल वाह भाई वाह तन्ने भी लिखवाया कि कुछ नहीं क्या हो गया मड़ी चाबी आ दे भाई जावा मैं ठीक है जी करे तारा चलन का कहाँ पे वहाँ पर पेपर है जब भी तेरा कर रहा दिल ओ कर रहा दिल मुस्कान आपका कर रहा ना क्या करे क्या करेगा तो पेपर है ना बेटा फिर वापसी कैसे आएगा उसके साथ यार रात का टाइम ये इंसान ऐसा है देख लो 6 बजे का निकलते भाई 7 बजे चलेंगे भाई 8 बजे चलेंगे 11:30 हो गए हैं अब बस निकलते हैं चलें चले बेटा चलो ठीक है भाई हैं मम्मी तो सोगी मुस्कान सोगी ठीक है ध्यान रखना ठीक है ओके बेटा चलें भैया हाँ जी भैया चलिए लेट हो गया बहुत अब देख लो निकल चुके हैं घर से दोनों भाई पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्रि तो नहीं खुश रहो और घर में सेफ रहो अपना थोड़ा ध्यान रखो भाई जो चल रही है ना आजकल बीमारियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव है ना तो उस वजह से बीमारी उस वजह से भी और वैसे भी ना कहीं बीमारियां चल रही है जैसे जानवरों में बीमारी है तो वो इंसानों में भी आ रही है थोड़ा ध्यान रखो भाई अपना थोड़ा सेफ रहो तो कुछ भी हो ना तुरंत चेकअप करवाओ तुरंत हम आ गए हमारे मिनी कूपर और बहुत ही देखो जो टाइम पे साथ दे ना मुसीबत में साथ दे उसी को कभी नहीं भूलना चाहिए तो गाइज हम निकल चुके हैं रास्ता देखो इतना गंदा रास्ता है सारा टूटा हुआ पानी भरा हुआ ट्रक फंसे हुए हैं ये देखना ओए होए आराम से ले आराम से इस ट्रक के देखते हैं इधर से इधर करके खड़ा करिए बार बुरा हाल हो रहा है भाई ट्रक फंसा हुआ है सामने से ट्रक है एक बार थोड़ा शीशा उतार के देखो पूछिए गाड़ी निकल जाएगी हमारी भाई गाड़ी निकल जाएगी उड़ते हैं निकल जाएगी क्या ऐसा मोल हो रहा है उड़ने उड़ने दाप उड़ने हाँ चल 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 बैग ले बैग
अरे यार बैग भी को नहीं जाती है। यार भाई तू क्यों उतार निकल जाएगी यार। ये देखियो यार भाई ने फंसवा दिए यार गाड़ी। ओ गाइस ये देखो वहां पर जा रहा था सलून की ओपनिंग, इवेंट रुकी है। ये देखना पानी कितना खड्डा इतना है, और यहाँ पर ओपनिंग पे जा रहे थे और कम से कम 3 घंटे हुए गाड़ी फंसे, पूरा हाल मतलब 2:30 बज गए हैं, पूरा हाल हो गया, कपड़े उतार दिए, अब क्या करें, गाड़ी फंस गई है। देखो लाइन में सारी गाड़ियां फंस रही हैं, ये भी फंस रही है, तो अभी देखते हैं गाड़ी निकल गई तो किस टाइम तक पहुंचेंगे। यार अरमान भाई वेट कर रहे हैं, ऐसा काम हो गया भैया फंसने वाला, क्या क्या यानी वो ये देखना चाहिए सरकार को। पैर में बस नहीं मिली, बोल रहे थे बुरवाड़ा रास्ता खराब है, तो हम इसी रास्ते से आ रहे थे, मैं बोला छोटी गाड़ी तो निकल जाएगी, हमने क्या पता सारा रोड जाम है, तो निकले तो ये हाल होगा 2.5 घंटे 3 घंटे करीब हो गए गाड़ी फंसे। और आपको बाहर से गाड़ी दिखा देता हूँ क्या हालत है, ये देखना हालत। और ये भाई भी देखो लो हेल्प करवा रहे हैं मेरे, क्या नाम है भाई? सुनील। ये ट्रक अपना भाई? अपना भाई। ये देख लो भाई गाड़ी फंसी पड़ी है, टायर देखो गाड़ी टायर, और इसमें खड्डा दिखाइए भाई, आगे ना होगा, आगे ना होगा दिखाइयो, बहुत ज्यादा गहरा खड्डा भाई, ये गाड़ी की बुरी हालत होगी। अब देखते हैं भाई क्या करेंगे, भाई साहब आगे तो गई गाड़ी निकाल ली, और मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, थैंक यू यार। देख भाईचारा सबसे बड़ा होता है, ये मैंने देख लिया, और फंसे हुए हैं हमको कम से कम 3 घंटे हो गए, 3-3.5 घंटे, और गाड़ी की हालत देख लो, हालत गाड़ी तो चलो निकल तो गई, हालत क्या करेगी पूरी रात गाड़ी के अंदर, ये देखो पानी कैसे निकल रहा है गाड़ी के अंदर की हालत है। और हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ इधर, इधर देखो हाथ दिखाओ, देखो पूरे छिले हुए हैं। चलो भाई, चलो पाजी, थैंक यू बहुत बहुत, एक बार कपड़ा दे दे भाई, कपड़ा दे दे एक बार अंदर से, हाथ खोलूंगा। अच्छा भाई भाई बाय बाय। तो गाइस ये देखना हालत, ओए होए पैंट की इतनी गंदी हालत हो गई है, पैसे लेना देना सब की ग्रान माटी हो गई। और मैंने इसको बोला था, मैं ले ऊपर रख दी मैंने, ले ना कोई वही नहीं है यार, ये जूतों की भी कोई होए, बुरा हाल हो रहा है गाड़ी का। रुक जा आगे ले, आगे वो है नदी है उस पर करांगे बार, चल चल नदी बताई नहीं। अरे भाई और ये हालत कहाँ से करेगा, अब पानी तो बुरा हाल हो गया इसमें, देखियो ओए पेंट रुक जा, ये जूतों की भी देखियो हालत खराब होगी यार, अब ये पानी कैसे निकलेगा इसमें से, हैं पानी पानी निकालते हैं वो आगे निकालेंगे, एक साइड में टेढ़ी करके फिर निकालते हैं पानी, नहीं मैं अभी निकाल देता हूं। कैसे है क्या जुगाड़ यहाँ पर है, है जुगाड़ इसमें, कपड़ा दो कपड़ा, तो ये लो कपड़ा यार, बुरा हाल हो गया यार भाई, का एक हवन में जा रहे थे, हवन हमारा हो गया, एक बार वहां रोका है यार, मेरे ये पैंट तो दूंगा, पैंट का तो बुरा हाल हो गया भाई, बुरा हाल हो गया। ये चाकू बड़ा, चाकू दो कहाँ, चाकू इसमें 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 जाब साइड में, ये है इधर इसमें 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 इसमें, हाँ। तो भाई ये चाकू लो जी, चाकू क्या करोगे, बुरा हाल हो गया भाई, कपड़ों का भी शर्ट का भी पैंट, पैंट देखो कैसे पड़ी है, पैंट भी जूते भी, और जब ही वो दोपहर में ना बस वाले नहीं आ रहे थे, है भाई इस साइड से बस वाले नहीं आ रहे थे भैया, दिक्कत बहुत हो रही थी, है ना, जतिन ने ना ये गाड़ी यहाँ से साफ कर दी, ये देखो यहाँ पर भी भाई साहब, भाई राम से निकालना ठीक है ना, देखो एक गाड़ी ये खड़ी आगे की, बहुत सारे ये हालत देखो भाई, हमारे ने 3-3.5 घंटे लग गए भाई, 3.5 घंटे लग गए गाड़ी के, और बुरा हाल हो गया, पेट्रोल पंप पे रुके थे, अभी पेट्रोल डलवा लिया है, और निकलते हैं आगे एक बार ना, कहीं होटल पे रोक कर ना सारा वो करेंगे, होटल भी नहीं आया कोई। तो गाइस हम आ गए हैं पेट्रोल पंप टोल पे भी। ना पेट्रोल पंप ने टोल टोल पे भाई, मतलब भूल ही गए हम तो, कहाँ आ गए, पेट्रोल टोल टैक्स की जगह पेट्रोल पंप हो गया, यानी पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, यानी हरियाणा में तो टोल बहुत ज्यादा है, 120 रुपए है आना जाना, और मैं जब मैं पंजाब गया था ना, लुधियाना गया था लास्ट टाइम, तो 69 रुपीज था आना जाना,
और उधर ना यानी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था फास्ट टैग वाला, वो कैश ही लेते थे पहले ना, वो ठीक था फास्ट टैग का सिस्टम तो आप बना दिया, गलत कर दिया पहले। और अभी ना चांस ऐसा भी बना कि मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं थी और मेरे को ना यानी यू लगा लो कि फोन करना पड़ा 1 बजे। बढ़िया, गलत बात है फास्ट टैग की, पहले ठीक था, आना जाना सस्ता हो जाया करता। हाँ। और अब बता रहे 5-5 टोल टैक्स है। हाँ, 5 है। 5 अगर लगाए तो 120 को 5 से कराए तो 600 रुपए हो गए लगभग। तो गाइस अभी नई बार ना फटाफट यार कहीं होटल पर रोक ले, मेरा बुरा हाल हो रहा, खारिश चल्लू हो गई है। अभी ना होटल पे रुके थे, होटल पे ना वो था स्नान घर, वहाँ पर अभी देख लो कपड़े कुपड़े चेंज किए, अभी चाय पी के अभी निकलते हैं। भाई 2 चाय बना दो यार, अभी देखो अब होया रेडी। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई है मजेदार सी चाय, चाय पी लेते हैं। चाय मैं भी पीऊंगा, मैं भी पी लेता। और इधर ये देखो ऑल टाइम माय फेवरेट डोरिटोस। तो ये चाय की प्याली दिख रही है ना कितनी बड़ी है, चाय पी लेता हूँ फिर इसके अंदर चाय दिखाऊंगा मैं कितनी है। तो गाइस चाय वाय हो गई है, अब निकलते हैं सीधा, एक बार सिर्फ पेट्रोल पंप पे रोकेंगे, बाकी सीधा घर निकलेंगे। ठीक है भाई? ठीक है भैया। तो गाइस अभी अरमान भाई के पास में जाके आपसे मिलते हैं, तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। आपने हालत तो देख ही ली हमारी क्या हुई आज।